हे गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो अभी हम गांव में हैं, गांव में आए हैं खेत की तरफ। खेत में अभी धान लगा हुआ है। फिलहाल अभी धान का मौसम चल रहा है। इस महीने में धान और पाट का खेती लगा हुआ है, लेकिन अभी पाट लगभग कट चुका है और थोड़ा बहुत लगा हुआ है। उसके अलावा अभी धान की खेती चल रहा है। इस बार बारिश नहीं होने के कारण धान में काफ़ी जंगल हो गया है, जिसके कारण भी कमाना पड़ रहा है। इस बार धान की खेती में बहुत ही लॉस होगा, क्योंकि पहले धान की खेती में बारिश होती थी, पानी नहीं देना पड़ता था और उसको कमाने के लिए भी बहुत कम मजदूर लगता था। तो अभी फ़िलहाल पानी भी मशीन से देना पड़ रहा है, बारिश बहुत कम हो रहा है और कमाना भी पड़ रहा है। लगभग एक बार कमा दिया गया है, फिर कमाना पड़ रहा है। वही अभी कमौनी चल रहा है खेत में, वही आए हैं देखने के लिए। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मखाने की खेती है। इधर कहीं कहीं मखाना भी लगाया जाता है। देख पा रहे हैं, ये मखाना का पत्ता है। ये सिर्फ पत्ता है, इसको जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इसमें दवाई छिड़क कर इसको कंपोस्ट कर दिया जाता है, इसको गला दिया जाता है। उसके बाद इसमें घुस करके इसका आप जितना भी कीचड़ होता है उसको अच्छे से तोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसको छाना जाता है, जैसे मछली छाना जाता है, पानी से निकाला जाता है, उसी तरह इसको भी निकाला जाता है। ये पत्ता देख रहे हैं, ये पत्ता और भी स्ट्रॉन्ग होगा, अभी ये कम स्ट्रॉन्ग है। इसमें देख पा रहे हैं कांटा भी है, इधर बड़ा बड़ा कांटा भी इसमें है। इससे पहले जब हम धान लगाने के समय यहाँ पर आए थे तो इसका पत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था। शायद वो पत्ता गल गया होगा, सैलाब भी आया था इधर, ये दूसरा पत्ता दिया है। मखाना की खेती एक बार लगाने से, एक बार अगर इसमें बीज लगा दिया जाता है तो तीन बार उगता है, तीन साल तक मतलब इसको उगाते रहिए आप। लेकिन मखाना की खेती में मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसको किसान से लगाने से लेकर निकाल कर मार्केट में बेच दिया जाता है, क्योंकि किसान के पास उतना साधन नहीं है इसको पूरी तरह से तैयारी करके तब इसको बेचेगा, क्योंकि उसको ये करने में बहुत ही पूरी तरह से तैयार करने में बहुत ही दिक्कत होता है। उसको आग में तपाया जाता है, उसको पीटा जाता है, बहुत समय लगता है। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पाट की खेती लगाई गई है। पाट, जिसको जूट बोला जाता है, ये बिहार के कुछ ज़िलों में लगाया जाता है। इधर पश्चिम बंगाल के आसपास जितना भी ज़िला है नियरेस्ट ऑफ पश्चिम बंगाल, जैसे कि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सब में पाट की खेती किया जाता है। देख पा रहे हैं ये पाट, इसी का जो बोरा बनाया जाता है, सोन वाला बोरा, इसी से बनाया जाता है। इसका कपड़ा भी बनाया जाता है, लेकिन बस किसान इसको उगा के बेच दिया जाता है, बेच देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस उससे आगे होता है। जूट की खेती बिहार के तीन चार ही ज़िलों में लगाया जाता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये फेमस खेती है। बिहार में बस तीन चार ही ज़िलों में इसको बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है।
धूप बहुत ज़्यादा है, अब निकल रहे हैं घर। आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप में पूरा पसीना पसीना हो गया है। अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये जो देख रहे हैं ये पाट का खेत है, इसको पाट को काट लिया गया है और जैसे पड़ा रहेगा 2-3 महीना तो इसमें मक्का लगाया जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये हमारे यहाँ ढांचा बोला जाता है, ढांचा की खेती किया जाता है, ये जलावन के काम में आता है यहाँ पे। ये जो रोड पर फैला हुआ देख रहे हैं ये जूट है पाट, इसको सबसे पहले काट कर पानी में डुबा दिया जाता है, उससे 10 से 15 दिन के अंदर में इसको निकाल कर इसको अच्छी तरह से सुखा कर इसको बेच दिया जाता है। अभी वही सुखाया जा रहा है, कुछ लोग सुखा रहे हैं। अभी घर आ गए, गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई है, पंखा चला दिए हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।